Friends, सो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एडिटिव क्लास में आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 4096 का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी कि 4096 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं प्राइम फेक्टोराइजेशन मेथड लगाऊंगा आप बस वीडियो को अंत तक देखिए ये हमारी टेबल है यहाँ पे हम राइट करेंगे फोर सबसे पहले इसे हम टू से डिवाइड करेंगे तो टू टू जै फोर टू जीरो जीरो टू फोर जा एट और जा टू एट 16. अगेन टू two, two से डिवाइड करेंगे तो टू अन् जीरो टू टू जा फोर टू फोर जा एट फिर हम टू से डिवाइड करेंगे तो टू फाइव जा टेन और ये टू जा टू 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 ज़ा फोर अगेन टू से डिवाइड करेंगे तो टू टू ज़ा फोर टू फाइव जा टेन और टू सिक्स जो ट्वेल्व फिर टू से करते रहेंगे तो टू वन जर टू 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 ज़ा फोर टू एट जिक्सटीन टू सिक्स जो ट्वेल्व टू फोर ज़ा एट टू थ्री जै सिक्स टू टू ज़ा फोर टू वन टू टू सिक्स ट्वेल्व टू एट जिक्सटीन अगेन टू से करेंगे टू फोर जट टू टू ज फोर टू वन जा टू अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें इन फैक्टर्स के पेयर बनाने होते हैं ठीक है तो जैसे यहाँ पर देखो ये पेयर बन रहा है तो जितने पेयर बन रहे हैं उनसे एक एक नंबर बाहर निकलेगा तो मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे स्क्वायर रूट ऑफ फोर जीरो नाइन सिक्स इज इक्वल टू अब ये कितनी बार आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना यानी कि ये टाइम्स आया हुआ है कितना ट्वेल्व थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यहाँ नहीं आएगा तो आगे लिख लेते हैं टू इंटू टू ठीक है तो आगे क्या होगा वो देखिए यहाँ पे देखो इसका पेयर बनेगा तो एक टू बाहर आएगा और इसका पेयर बनेगा तो एक टू इसी प्रकार से इसका और इसी प्रकार से इसका और इसी प्रकार से इसका और फाइनली इसी प्रकार से इसका ये फिलहाल मैं अभी के लिए मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ठीक है तो फर्दर देखो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे देखो जब एक बार हम पेयर का एक एक बाहर निकालेंगे तब ये रूट हट जाएगा टू टू जा फोर, फोर टूजा एट एट टूजाटी सिक्सटीन टू जै थी टू जा थर्टी और थर्टी टू टूजा सिक्सटी फोर इस प्रकार से जो आंसर होगा फोर जीरो नाइन सिक्स का स्क्वायर रूट वो आएगा सिक्सटी फोर या फिर जो वर्गमूल होगा फोर जीरो नाइन सिक्स का वो आएगा चौंसठ ठीक है सिक्सटी फोर तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू क्लास